ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को बिना केमिकल के आधुनिक तरीके से साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण नागपुर से आई 74 वर्षीय अम्मा निःशुल्क रूप से दे रही हैं। और आपको बता दें कि जिला पंचायत में ग्रामीण अंचल की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साबुन बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और प्रशिक्षण से जहाँ एक और ऑर्गेनिक साबुन से लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा। हम यहाँ जिला पंचायत में 5 दिन के साबुन प्रशिक्षण लेकर आए हैं, साबुन सीखे जा रहे हैं कैसे वाला बना के। और मैंने पहले से जो काम में करा था लगभग हमें 1 साल हो गया काम कर रहा है। साबुन के बारे में युवा सुनता है कोई काम उसमें इंजेक्शन में कुछ छोटे से बड़े तक बच्चे तक सब ना हो। और यहाँ के बड़े लोग को मैं सिखाने को आई हूँ। सभी को हम लोगों ने ऑर्गेनिक सोप बनाने के लिए हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग दी है। और इसमें जो ट्रेनर बुलाया गया था, हमने नागपुर से प्रमिला बागुल जी को इसमें बुलाया था, जो कि काफ़ी दिनों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे से सारी महिलाओं को ऑर्गेनिक सोप बनाने की जानकारी भी दी और ट्रेनिंग प्रॉपर ट्रेनिंग दी। उमरिया में एक ऐसी संस्था है जो नाटक